अपने गुरु को यहाँ पे लेके आई है। आपके वजह से हम देरी हुई है, जो बाकी जो कि हमारे कंटेस्टेंट आए हुए यहाँ पे वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सौ बॉक्स मंगे थी, ट्रैक्टर पर लगे थे तो Hi, welcome back to FSA Entertainment. We are continuing a series of 10 best horses at Sarangkheda Horse Fair. ये जेंटलमैन के साथ है, क्या नाम है सर आपका? गोपेन। एंड कौन से फार्म से हो आप सर? जस्किन स्टड फार्म। जस्किन स्टड फार्म जी, फ्रॉम अहमदाबाद, राइट? अहमदाबाद। एंड यू स्पेशलाइज इन टॉप ब्लड लाइन हॉर्सेस जी, है ना? और ऐसा क्या ऐसा तो बोल नहीं सकते, मतलब स्पेशलाइज्ड इन, क्योंकि बहुत सारे जानकार लोग हैं, हम तो सीख रहे हैं, हम तो स्टूडेंट ही हैं। सीख सीख के तो बहुत अच्छी चीज ले नायाब नगीने लेके आए हो आप तो जी जी, जी सारे जी, के जी, सारे बिल्कुल, बिल्कुल। आपका एक घोड़ा देखा हमने जो उछल कूद में यानी एंटरटेनमेंट के लिए तो फुल पैक पावर पैक्ड है वो एंटरटेनर जी जी। नाम था उसका धनुष। धनुष धनुष आप बता रहे हो ब्यूटी, क्या नाम है इसका जी? ये है स्टैलियन वारिस। स्टैलियन वारिस जी। और इसकी क्या हिस्ट्री है सर, इसके बारे में बताया थोड़ा? ये पोसाना का बहुत बड़ा नाम है, हमारे बहुत रिस्पेक्टेड सीनियर ब्रीडर है गजेंद्र पाल सिंह जी पोसाणा, तो उनके उधर से एक लाल रतन करके एक घोड़ा ब्रीड होके पंजाब गया है। ओके। और ये लाल रतन और रत्नाकर, इसकी माँ जो है वो रत्नाकर की डॉटर है, तो वो भी बड़ी फेमस मेयर है, उसका नाम है रत्नी, तो लाल रतन इंतु रत्नी, लाल रतन इंतु रत्नी का ये कॉम्बिनेशन। ओके। और नाम रखा है वारिस। वारिस। आई थिंक मैंने आपको पुष्कर, आप पुष्कर में भी आए थे जी, पुष्कर में दो साल पहले, बहुत फैंसी सा टेंट था आपका, आई थिंक आई इंटरव्यूड यू इन पुष्कर एज वेल, आई रिमेंबर वेरी वेगली। सर नाम इसका वारिस है। वारिस। और है कितने साल का है फिलहाल ये? अभी है 4 साल का। हाइट इसकी कितनी होगी आपके हिसाब से? हाइट ये अभी जो हम 65 प्लस बोल सकते हैं। सर दोनों, अगर इसके पहले जो धनुष आया था जी उसमें और इसमें, आई मीन व्हाट डज धनुष है जो इसमें नहीं है और इसमें क्या है जो धनुष में नहीं है? ऐसा दोनों तो सर, अपने दोनों घोड़े अपने अपने मतलब पर्सनली, हाँ पर्सनली जैसे मैं ये मानता हूँ कि दो सगे भाइयों में भी कुछ डिफरेंस होता है, हाँ तो वैसा मेरा मानना ये है कि दो कोई भी घोड़े एक सरीखे कभी होते ही नहीं। बिल्कुल। तो सबकी कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है और मेरा ऐसा मानना है कि घोड़ों में कभी खामियाँ होती नहीं है। देर आर नो बैड हॉर्सेज, देर आर ओनली बैड ओनर्स। ऑपोजिशन तो सारी खामियाँ निकाल देंगे जी 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 जी, लेकिन ओनर्स को कोई खामी नहीं दिखती है। हाँ मतलब ऐसा बात नहीं है, मतलब कहीं के कोई घोड़े मिस हैंडल होते हैं, फिर मिसबिहेव करना चालू करते हैं, तो उसका आप ये घोड़े के ऊपर नहीं बता सकते हो कि ये घोड़े में ये खामी है। हैंडलर और ओनर की गलतियों का
आपके हैंडलर कौन है? दो खड़े हैं जी, ये रूप सिंह जी है और लक्ष्मण सिंह जी है, वो बाजू वाले हैं, वो लक्ष्मण, वो रूप सिंह जी है और ये लक्ष्मण सिंह जी। तो ये भी हैंडलर्स भी बहुत समय से आपके पास काम कर रहे हैं। जी जी जी, तो हैंडलर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हैंडलर्स का बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और घोड़ा हैंडलर एक ऐसा कहा जाता है कि घोड़े के कान इतने पावरफुल होते हैं, घोड़े के सेंसेस इतने पावरफुल होते हैं कि वो आपकी नर्वसनेस को 4-5 फीट 6 फीट से जज कर लेता है कि सामने वाला बंदा नर्वस है कि कॉन्फिडेंट है। तो अगर हैंडलर कॉन्फिडेंट होता है तो घोड़ा काम रहता है, घोड़ा कॉन्फिडेंट रहता है, और हैंडलर अगर नर्वस रहता है तो घोड़ा भी नर्वस हो जाता है। सर, हम बता रहे थे धनुष और इसमें डिफरेंसेस है जी, क्या चीज़ है इसकी जो आपको बहुत पसंद है? इसका एक प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, इसका एटीट्यूड अलग है, धनुष का एटीट्यूड अलग है, उसका प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। धनुष इज टॉलर राइट? धनुष इज लिटिल बिट शॉर्टर देन दिस। हां, पर धनुष थोड़ा स्लिम है। हां, धनुष थोड़ा स्लिम है, ये थोड़ा फिट है, ये काफी फिट है। हां, ये भी फिट है, लेकिन वो क्या है सर कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर धनुष का जितना स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से वो फिट है, और इसका जितना स्ट्रक्चर है, ये 65 हाइट लेके चल रहा है तो उसके हिसाब से ये फिट है। ये रंग को क्या कहते हैं? कुमेद कलर। कुमेद, इसकी शाइन बहुत अच्छी। जी जी जी, बिल्कुल शाइन है, आई थिंक रंग की वजह से अलग ही। हाँ, रंग की वजह से, और दूसरा ये है कि वो घोड़ा कितना टॉप कंडीशन में, वो स्किन कलर पे, स्किन कोट पे है ना, रिफ्लेक्ट करता है। यू मेंटेन इट वेरी वेल, आई मस्ट से। सर, इसको भी शो में लेके आए हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तीन तीन महारथी उतरने वाले हैं आपके? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। किस पे ज्यादा उम्मीदें हैं सर? यही मत बोलना सभी पे है, डिप्लोमेटिकली मत बोला, एक नाम लीजिए तीनों में। वारिस, हमने दो देखा, मोस्ट डिजर्व वन इज वारिस, दिस वारिस जी, एंड वी हैव वन मोर राइट, जो जी, जो जी, भारी है काफी। हाँ, ठीक है, वो भी देखेंगे सर। विश यू ऑल द बेस्ट। कब है वैसे शो? थैंक यू। स्टैलियन करिंग परसों। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये दिस इज ओपन फॉर क्रॉसिंग? जी बिल्कुल। एंड व्हाट नंबर पीपल शुड गेट इन टच विद यू? 8128 45 77 77। थैंक यू। और आप भी अहमदाबाद के रहने वाले हो राइट? अडालज के। हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।